push gets, they're gonna get back into the sun! Yeah, Troll charges together, full on YOLO, coming out again, coming out like a pisser, right into the Pmwi tournament gets, they got Team Sol, game one gets, and then finally, Chicken Lays out here, Lincoln! Vampire Esports के players jump कर रहे हैं, वो जानते हैं कि उन्होंने क्या किया है। वो जानते हैं कि उन्होंने क्या किया, and they are the champions of PUBG Mobile World Invitational. Vampire Esports इस पूरे competition को dominate करते हुए आगाज इतना अच्छा, अख्तिताम इतना अच्छा, बीच के जितने matches थे उनमें dominate किया गया। ये team थी जिसने रकम की एक ऐसी history पहले ही match में PUBG World Invitational के 39 points लिए थे इस team ने। जो अब तक कोई भी टीम उसके बाद से किसी भी मैच में नहीं निकाल पाई। वैम्पायर स्पोर्ट्स अपने लिए ये पूरा स्टेज अपने नाम कर कर जाते हैं और बताते हैं कि दुनिया में एक और चैंपियन मौजूद है। आज के बाद ये नाम याद रहेगा उन तमाम टीम्स को जो कि इस वर्ल्ड इन्विटेशन में खेले थे, और अभी कुछ सेकेंड्स में ये जाएंगे स्टेज पर और जाकर अपना इनाम पाएंगे। बिल्कुल, इनाम तो उनको पहले ही मिल चुका है, जीत की खुशी और जितना ज़्यादा यहाँ पर उनको दाद दी जाए उतनी कम है। प्लेयर्स दे हैव दैट हैप्पीनेस ऑन देयर फेस, बिल्कुल अभी के लिए उनको समझ नहीं आ रही कि कैसे रिएक्ट करना है इस सारी सिचुएशन के अंदर। और थाईलैंड का जो है वो झंडा लेकर आ चुके हैं, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया जा रहा था उनकी तरफ से, और ट्रॉफी की तरफ मूव करते हुए जा रहे हैं। आज के दिन जैसे हमने शुरू होते साथ ही कहा था कि आज के दिन फैसला हो जाएगा कि कौन आखिरकार ये ट्रॉफी जीतने वाला है। बैल्कनी स्पोर्ट्स काफी करीब थे इस ट्रॉफी को घर पर ही रखने के लिए, सऊदीया के लिए ही वापस जीतने के लिए, लेकिन वैम्पायर आज के दिन एक डिफरेंट प्लान के साथ आती है और एग्जीक्यूट करती है उस प्लान को। एंड लुक एट दोज फेसेस, क्या ही खूबसूरत जीत, क्या ही बेहतरीन जीत, और ये आई ट्रॉफी पबजी मोबाइल वर्ल्ड इन्विटेशनल 2022 बिल्कुल जी, इससे ज्यादा डिजर्विंग टीम कोई हो नहीं सकती थी। इन द एंड जब आप जीत जाते हैं तो फिर आप कहलाते हैं सबसे ज्यादा डिजर्विंग, क्योंकि आपने साबित किया है इस चैंपियनशिप के अंदर मैचेस खेलकर, डोमिनेट कर एनिहिलेट कर सामने वाली टीम को मजबूर कर के वो एलिमिनेट हो जाए। इस मैच के अंदर भी जहां पर आप देखेंगे डिपेंड कर रहा था, दो ही पॉइंट्स का फर्क था, लेकिन फिर भी वैम्पायर स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट रहती है। एंड मोमेंट तक अपना जो एग्रेशन था जब एक बार उनके पास आया उसको उन्होंने नहीं छोड़ा, लेकिन उनकी जुबानी हम सुनते हैं, उन्हीं से हम बातें करते हैं और देखते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं।